समलई माई की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। छत्तीसगढ़ की आने वाले विधानसभा चुनाव की रायगढ़ जिले की आज नामांकन दाखिला की इस विजय उत्सव में मंच पे उपस्थित रायगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों से भरा जुझारू युवा प्रार्थी मेरे मित्र ओपी चौधरी जी, लेलुंगा के विधायिका प्रार्थी पूर्व मंत्री बहन सुनीता राठिया जी, धर्मजयगढ़ की विधानसभा की प्रार्थी भाई महेश हरिश्चंद्र राठिया जी, खरसिया के विधानसभा की प्रार्थी भाई महेश साहू जी, जिला के अध्यक्ष भाई उमेश अग्रवाल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय अग्रवाल जी, गिरधर गुप्ता जी, सत्यानंद राठिया जी, अभी अभी हमारी पार्टी में शामिल हुए आदरणीय शर्मा जी, कवि भगत जी, सुषमा खालको जी, हमारे गुरुपाल भल्ला जी, मेरे मित्र रथु गुप्ता जी, ब्रिजेश गुप्ता जी, उलिस गुप्ता जी, मंच पे बैठे हुए सभी मित्रगण और इस सभा में उपस्थित भाई और बहनों, मेरे मन में सब समय में एक बात रहती थी, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। मित्रों, छत्तीसगढ़ को और विशेष करके रायगढ़ को मैं पिछले 20 सालों से, जब से छत्तीसगढ़ की जन्म हुआ, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल नहीं सकते हैं। उनकी दूरदृष्टि के कारण आज देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य यह हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से लेकर राजनीति से मैं 2003 से जुड़ा हूं। मित्रों, कांग्रेस ने पिछले दिनों में जब मध्य प्रदेश होता था, छत्तीसगढ़ की समर्थन से मध्य प्रदेश की शासन संभालती थी, लेकिन अगर कोई पीछे रहता था तो हमारा छत्तीसगढ़ ही रहता था, छत्तीसगढ़िया भाई और बहनों रहते थे। इसी को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में नई राज्य की कल्पना की, छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। और जब 2003 में पहली बार चुनाव का मौका आया, तब भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़िया भारी मतों से आशीर्वाद किया। पिछले बार मैं क्षमा मांगता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, शायद आप लोगों की मन की सेवा में हम कमी कर दिए। आपने हमको सेवा से निवृत्त किए, आपने कांग्रेसियों के हाथ में, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी मेरे मित्र ओम प्रकाश चौधरी कह रहे थे, पिछले 5 साल में गांधी परिवार की एटीएम भरने का काम करने वाला यह भूपेश बाघेल जी की सरकार, इन्हें कोई काम नहीं रहा। यह कोयला छत्तीसगढ़ की है, यह खनिज संपदा छत्तीसगढ़ की है, इसकी लाभ छत्तीसगढ़ियों को मिलनी चाहिए थी। मैं नहीं जानता हूं ओपी जी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में रायगढ़ को कितना पैसा आता होगा, सैकड़ों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी केवल रायगढ़ जिले के लिए भेजे हैं, रायगढ़ जिले के लिए भेजे। इसीलिए मित्रों, दिल्ली में अनेक सरकार हुआ करती थी, भोपाल में अनेक सरकार हुआ करते थे, लेकिन किसी दिल्ली सरकार ने
रायगढ़ के बारे में चिंता नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बना के सीधा रायगढ़ की वंचित वर्गों के लिए, रायगढ़ की आदिवासी के लिए, रायगढ़ की दलितों के लिए, रायगढ़ के पिछड़ों के लिए, रायगढ़ के किसानों के लिए, रायगढ़ की मां बहनों के लिए, रायगढ़ की नौजवानों को सीधा विकास हो, इसलिए डीएम में फंड भेजा। लेकिन ये डीएम में फंड किस काम पे लगा? मैंने सुना आधे दर्जन अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी अभी जेल में है, नहीं तो जेल जाने की तैयारी में है। जो लोग सोचते हैं छत्तीसगढ़ के पैसे को लूट के हम आंख में धूल झोंक सकते हैं, मेरा नेता नरेंद्र मोदी का वादा है, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये माफियाओं को जेल भेजना तो अभी शुरू हुआ है। आने वाले दिसंबर महीने में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बन जाएगी और उस सत्ता बनने के बाद पहला काम तो मोदी जी ने घोषणा कर दिया, 16 लाख गरीबों की घर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेजा। पहले दिल्ली की सरकार 75,000 रुपया देता था एक मकान बनने के लिए, अभी मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जो गरीब के घर से पैदा हुए हैं, उनको मालूम है कष्ट क्या है, उन्होंने 1.5 लाख रुपया एक व्यक्ति के लिए घर दिया है। लेकिन भूपेश बघेल जी, आपकी बैर मोदी जी से हो सकता है, आपकी बैर डॉक्टर रमन से हो सकता है, आपकी बैर ओपी चौधरी से हो सकता है, सुनीता राठिया से हो सकता है, ये हरिश्चंद्र से हो सकता है, आपकी बैर महेश साहू से हो सकता है, लेकिन आपकी बैर छत्तीसगढ़ के आदिवासी के साथ क्यों है? आपकी बैर छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ क्यों है? आपकी दुश्मनी छत्तीसगढ़ के दलितों के साथ क्यों है? छत्तीसगढ़ के पिछड़ों के साथ क्यों है? आपने 16 लाख घर बंद करके रखा है। मोदी जी ने जिम्मेवारी लिया है, 3 दिसंबर में फैसला आएगा, 5 दिसंबर में नई सरकार बन जाएगी, 6 दिसंबर में कैबिनेट ने पहला निर्णय करेगा, 16 लाख गरीबों को 1.5 लाख रुपया का घर पहुंचा दिया जाएगा। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।